सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। केतार प्रखंड अंतर्गत पंचायत सचिवालय मुकुंदपुर मुखिया मुंगासा की अध्यक्षता में गुरुवार को मिशन अंत्योदय सर्व ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में पंचायत सचिव राजीव कुमार, रोजगार सेवक धीरेन्द्र विश्वकर्मा की उपस्थिति में कराई गई। आईपीआर भोला उराव ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं गांव टोले की महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर व स्वरोजगार मिल सके। JSPLS समूह के माध्यम से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। ग्राम सभा की उपस्थिति में IPRP भोला उराव, LHBRP सफीना बानो, AW सोनम देवी, रूवी देवी, सुनील राम, अरविंद गुप्ता, विवेक गुप्ता, वार्ड सदस्य धर्मेंद्र सिंह, मणिलाल गुप्ता, अनुज कुमार गुप्ता, वीरेंद्र श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कितार से सूरज कुमार की रिपोर्ट। क्लस्टर का IPRP आज मिशन अंत्योदय का जो भी ऑनलाइन सर्वे किया गया उसका आज ग्राम सभा आयोजित किया गया मुखिया जी का अध्यक्षता में, जो कि तमाम योजनाओं के बारे में यहाँ पे बिंदुओं को बताते हुए चर्चा करते हुए चार प्रखंड के सातों पंचायत में पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो ग्राम सभा जो आयोजित करवाया गया है ये विशेष ग्राम सभा है। ये एक्चुअली मेन पर्पस जो है मिशन अंत्योदय को लेकर के ही ये विशेष ग्राम सभा रखवाया गया है, जिसमें कि हम लोग जो प्लानिंग कर चुके हैं अभी हम लोग ग्रास रूट लेवल पर देख रहे हैं कि किस स्कीम्स का कितना जो है ग्रामीण लोगों को जो है फायदा हुआ है या कितने लोगों को उन स्कीम्स का, उन योजनाओं का लाभ मिला है। तो इस तरीके का सर्वे जो है वो मिशन अंत्योदय के तहत हमारी दीदियों के द्वारा जो है ये एक सर्वे किया जा रहा है। आज जो है हमारा जो ग्राम सभा जो सातों पंचायत में हो रहा है उसमें दीदी लोग जो है इसी मिशन अंत्योदय का जो भी उन्होंने अपलोडिंग किया है ऑनलाइन उसका PDF जो जनरेट होता है उसमें जिन क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर किया है उसको लेकर के उसको पूरा वो रीड करेंगे। जो भी 200-250 जो भी क्वेश्चंस है उनका आंसर जो है मुखिया के अध्यक्षता में जो ग्राम सभा रखा गया है वो, ताकि सारे लोग जाने कि हाँ हमारे यहाँ कितनी योजनाओं का लाभ जो है कितने लोगों तक पहुँचा है ग्रास रूट लेवल पर। तो मेन आज जो विशेष ग्राम सभा रखवाया गया है वो इसी के लिए रखवाया गया है। इससे समूह के माध्यम से बिल्कुल ये समूह के माध्यम से समूह की दीदी लोग ही, ये हमारे कैडर्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो पंचायत वाइज ही किया गया है। 7 दीदियों का किया गया है चयन, जिनको कि हमारे यहाँ से JSPLS के द्वारा जो है वो मानदेय भी दिया जाएगा इन काम के लिए जितना भी उन लोगों ने सर्वे किया है। क्योंकि इस सर्वे में ये सिर्फ सर्वे नहीं है, इसमें जियो टैग, फोटोज, वीडियोस, ग्राम सभा का सारी चीज़ें अपलोड करना है, ऑनलाइन काम करना है बैठ करके, एंड वहाँ वहाँ जा करके गाँव गाँव जा करके दीदियों के द्वारा जो है ये सर्वे किया गया है और इस PDF को जो है ऑनलाइन अपलोड भी करना है। और ये भी अभी हमारे द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अभी केतार का पोजीशन 3 पंचायत में हमारे 3 वीडियोज़ जो है अपलोड हो गए हैं, PDF भी अपलोड हो गया। 3 पंचायत हमारा 100% कम्प्लीट हो गया है, बाकी 4 पंचायत हमारा अभी रेस्ट बचा हुआ है। जी आप किस पद पे हैं? मेरा नाम प्रियंका कुमारी हुआ, मैं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक केतार ब्लॉक में पदस्थापित हूँ।